आज के वीडियो में कहें कि ऐसा चीज़ एक बनाने वाले हैं जिससे आप कोई भी ख़राब एलईडी बल्ब जो होते हैं उसे बिल्कुल आसानी से आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर ये ख़राब है कि इसके अंदर इसका जो एलईडी होता है ये ख़राब है कि इसके अंदर का जो लगा रहता है मदरबोर्ड जो किट लगा होता है वो ख़राब है। तो इस तरह का डिवाइस आप बनाएंगे तो बिल्कुल चेक करना आसान है। इस तरह का डिवाइस आपको बना के दिखा रहे हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो इसे किस तरीका से बनाना है इस वीडियो में आपको बताएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम इजी है बनाना। इस वीडियो में बना के दिखाएंगे, आप घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं, इसको बनाएंगे। हमें दो इस तरह के वायर लेना है, आप कोई भी वायर ले सकते हैं। इसमें क्या करना है, हमारा इन दो वायर को हमें इसके अंदर सोल्डिंग करना है। हमें यहाँ पे सोल्डिंग करना है, हमारा यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लस है एक माइनस है, दोनों पे हमें सोल्डिंग करना है। हमारा जो रेड कलर का वायर है प्लस पे सोल्डिंग कर देंगे, और जो माइनस है ये पीला वाला वायर सोल्डिंग कर देंगे। चलिए इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं। इसको बनाना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसको बना के हम चेक करके भी दिखाएंगे किस तरीके से चेक करना है। देख सकते हैं हमारा दोनों वायर सोल्डिंग हो चुका है, एक प्लस एक माइनस। हम इसको क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे ऐसे। सबसे पहले हम इस एलईडी बल्ब को चेक करेंगे, हमारा ये सही है कि ख़राब है। तो चेक करने से पहले इसको हम सप्लाई इसमें दे देते हैं। चलिए इसको सप्लाई इसमें देते हैं, हम इससे चेक करने वाले इसके अंदर सप्लाई दे देते हैं। इसके अंदर हम सप्लाई दे दिए, एक बार आपको चेक करके दिखा देते हैं कि हमारा सीरीज बोर्ड में लगाया है, इसको आपको चेक कर देते हैं हम इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे चिमटी लेना है, इसे आपस में इसको टच करना है। देख सकते हैं हमारा सप्लाई इसमें आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस होल्डर को हमें इसके अंदर लगा देना है। अब लगाने के बाद इसके अंदर हम चेक करेंगे, इस तरह भी चेक कर सकते हैं, इस तरह एक मल्टीमीटर भी लेके चेक कर सकते हैं इसके अंदर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक बार पहले हम इस एलईडी को चेक करते हैं, उसके बाद मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाएंगे। जो हमारा माइनस का वायर है प्लस का वायर है, तो प्लस प्लस में लगा देना, माइनस माइनस में लगा देना। देख सकते हैं हमारा एलईडी नहीं जल रहा है, इसके अंदर कोई भी सप्लाई नहीं आ रहा है। चलिए एक बार मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर 200 वोल्ट पर चेक कर दिए, सेट कर दिए हैं 200 वोल्ट पर। इस पर हम चेक करेंगे, देख सकते हैं कोई भी हमारा सप्लाई इसके अंदर नहीं आ रहा है, फिर कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो एक रीडिंग आ रहा है वो भी चला जा रहा है। तो हमारा क्या करेंगे, तो साइड में लगने की हमारा ख़राब है, तो इसको हम निकाल के साइड में रख देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। इसको हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इससे चेक करेंगे। इसके अंदर हम सप्लाई दे के यहाँ पर वायर यहाँ पर चेक करेंगे, हमारा इसके अंदर पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा सर्किट सही है कि ख़राब है। तो चलिए इसके अंदर हम सप्लाई देते हैं। दो वायर हैं, इसके अंदर हमें यहाँ पे जोड़ देना है। इस तरीका से रख देते हैं जैसे हमारा यहाँ पे चेक करना आसान होगा। इकट्ठा कर देते हैं, इसको दबा के रख देते हैं। हम इस वायर को लगा दिए, इसमें सप्लाई दे दिए, आपको चेक करा देते हैं एक बार। देख सकते हैं सप्लाई इसमें आ चुका है। अब इन पिनों पे हम चेक करेंगे, ये हमारा माइनस है, हमारा प्लस है। देख सकते हैं इसको हमने ले लिया है, अब इसको चेक करेंगे। ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। देख सकते हैं ये हमारा सर्किट सही है, ये वाला किट हमारा सही है, इसके अंदर सप्लाई आ रहा है। अगर आपको मल्टीमीटर भी चेक करा था रीडिंग कितना आ रहा है, इसको 200 वोल्ट पर सेट कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको चेक करते हैं, देख सकते हैं इसमें रीडिंग आ रहा है 109 वोल्ट 110 वोल्ट के समथिंग आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी खराब एलईडी बल्ब बिल्कुल आसान तरीके से
चेक कर सकते हैं इस तरह का सर्किट बनाकर। बिल्कुल बनाना आसान है। कोई भी एलईडी बल्ब पहले हम क्या करते हैं, इसमें वोल्ट चेक करते हैं, तो कभी कभी मल्टीमीटर ना होने की वजह से चिमटी से चेक करते हैं, तो एलईडी बल्ब निकाल के हम दूसरा एलईडी बल्ब यहाँ पे दूसरा एलईडी को लगा के चेक करते हैं। तो इस तरीका से आप सोल्डिंग कर देंगे तो चेक करना आपको आसान रहेगा, कि डायरेक्ट यहाँ पे वायर लगा के चेक कर सकें। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मन में कोई भी डाउट हो, कहीं भी समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।